What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile video. और we are back with another FPP gameplay. अब मेरे को पता है तुम बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि TPP किधर है. अगली वीडियो ऑफ कोर्स TPP की होगी, वो भी पूरी तैयार नहीं हुई है तो मैंने अभी तक वो डाली नहीं, बट ये तैयार हो चुकी थी तो मैंने डाल दी. जब तक मैं पहुंचूंगी कि मैं लैंड करूँ, उससे पहले दो क्विक शाउट आउट्स. पहला शाउट आउट जाता है विक्की लेजेंड को, जो कि हमारे सोल क्लैन के लीडर हैं. उनके इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर दो अगर तुम्हें एपिक गेम प्लेस देखने. और सेकंड शाउट आउट टू सोल गेमिंग, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे वीनस नाम के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर का चैनल है, वो भी सोल क्लैन से. तो उसका चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर दो. फ्रेंड्स, हमने मैंने और वीनस से मिलकर 8-bit की टीम को पूरा ख़त्म किया था, तो उसकी वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी उसके चैनल पर. एंड ऑफकोर्स उतर चुके हैं हम पोचिंकी के अंदर ड्रामे करने. कुछ काम धाम तो है नहीं. हम जॉर्ज में गए, जॉर्ज में पिटे तो फिर और क्या. पोचिंकी अपना एक घर बचा था, जॉर्ज में थप्पड़े थप्पड़े पड़े हैं. मजाक कर रहा हूँ ऐसे. तो यहाँ पे ऐसे मेरे को मैशेटी मिली ना, मेरे को एकदम डेड बाय डेलाइट वाली फीलिंग आने लगी. मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि जॉम्बी किलिंग गेम मिल चुका है ये. साथ में पार्कर भी है, मतलब कि वाओ. और वैसे ये 3-man स्क्वाड है, कॉज हमारे को कोई चौथा बंदा मिल नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो यार तीन ही जाके पेल के आएंगे, मजे से पेल के आएंगे, फोड़ के आएंगे सबको. हमारे साथ है कैफी जी और खुशी. हमको मिले यहाँ पे थॉम्सन गन, जिसको हम फोड़ते हैं सबका बम. क्या पता नहीं क्या बोल दिया मैंने ये एकदम. तो यहाँ पर जैसे मैं निकला, मेरे को राइट साइड में एक बंदा दिखा. मैंने एक थोड़ा वेट किया, फिर शूट किया. कॉज अगर डायरेक्ट जाता था तो वो मार सकता था आई थिंक उस पर. उसी थी कन्फर्म नहीं है, मेरे को याद नहीं क्या था उस पर. और मेरे को साथ मिली एस्ट्रल्फ के, जो कि मेरे को बिल्कुल चलानी नहीं आती. मेरे को इसका रायता भी नहीं पता कि कैसे फैलता है, तो मतलब गोलियों का स्प्रेड तो वैसे ही पता नहीं होगा. और इसको कहते हैं स्पीड हैक, जो कि मैं एडिटिंग से करता हूँ. प्लीज़ मेरे को जाकर रिपोर्ट मत करना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करता हूँ मैं स्पीड हैक को इस्तेमाल करने में. ठीक है, बहुत तेज़ी से सीरियल पड़ती है. जिंदा हूँ मैं तो इसी बात पे. इस वीडियो पे लाइक हो जाए फ्रेंड्स, लेट्स एम फॉर 2000 लाइक्स. कैप गैंग थैंक्स फॉर 75,000 सब्सक्राइबर्स. इसी बात पे 2000 लाइक हो जाए इस वीडियो पे. एंड हियर वी आर, टाइम पास लूट रहा हूँ मैं. मतलब इतनी खुशी हो रही है मेरे हाथ में एस्ट्रोल के देख के, मेरे को क्या बताऊँ. बस बड़ी मुश्किल से मेरे को यहाँ पे DP दी मेरे एक दोस्त ने. कॉज उसे भी पता है S12 के मेरे को नहीं आती यार चलानी. मॉडल को बहुत अच्छी आती है वो, तो फाइनल सर्कल में बहुत ही अच्छा मारता है. उससे सीखनी पड़ेगी एक दिन बैठ के उससे. तो यहाँ पर अब मैंने डिसाइड किया कि मैं रश मारूंगा घर टू घर, और कुछ तो करना धरना है नहीं, वैसे ही वेल्ले पड़े हुए हैं. तो मेरे पास थॉम्सन है और साथ में मेरे पास DP. ये बंदा मेरे को दिखा पता नहीं, आई थिंक उस तरफ एम करके किसी और को मारने की कोशिश कर रहा था. इतने में मैंने इसे पीछे धप्पा कर दिया. बेचारा बहुत परेशान होगा अपनी ज़िंदगी से, बोल रहा होगा सारे मेरे को पीछे से मार जाते हैं. और ये तीसरा बंदा मेरे को दिखा. एक्चुअली मैंने पहले डिसाइड किया था कि इसको नहीं मारूंगा, बट फिर मैंने एंड में मार ही दिया इसे. मेरे को लगा था कि वो गन है तो पता नहीं गोली लगी ना लगी, फालतू में लोकेशन जाएगी. बट उसका हाथ दिख रहा था तो मैंने हाथ पे गोलियां मार दी और वो नॉकआउट हो गया. बड़ा ही नूब था बताऊँ तो. और यहाँ पर मैंने एक बंदर को कूदते हुए देखा. मैं लाइक बंदर जी रुकिए, काहे को कूद रहे हैं इतना, वेयर आर यू गोइंग बंदर जी. मतलब बंदर कूद मार रहा था ये जो बात है. पर कैफी ने किल ले लिया मेरा, किल मेरा होना चाहिए था वैसे. कैफी किल चोर, ये वाला किल भी कैफी ने ले लिया. कैफी किल चोर, नीचे जाके कमेंट में लिखो एवरीबॉडी #कैफी किल चोर. मेरा किल चुराता है नोबड़ा है. एनीवेज मेरे 3 किल हो चुके हैं मेरे हाथ में. अब AKM, ये बंदा जा रहा था भाग के, मैंने इसे पीछे से धप्पा मार दिया. मतलब मैं धप्पे बहुत मार रहा हूँ आजकल, किस्मत अच्छी चल रही शायद से. तो मैंने अंदर घुस गया घर के अंदर मारने के लिए. और इसका टीममेट भी आया था यहाँ पे, और आई थिंक यहाँ पे कैफी हमारे थोड़े निपट गए थे. मेरे को बड़ा ही खेद हुआ जब हमारे कैफी जी निपटा. आई वॉज लाइक अच्छा हुआ मर गया नूब. तो मेरे को यहाँ पे एक्चुअली DP मिली, अभी नहीं मरा वैसे कैफी. कैफी थोड़ी देर बाद मरेगा, मरेगा ज़रूर. तो यहाँ पे ब्लू घर में मेरे को लग रहे थे बंदे हैं. तो यहाँ पे मेरे को ये बंदा दिखा, मैंने इस पर स्प्रे मारा AKM कर पटापट पट हेडशॉट. गौरव वीर जी हमारे बड़े ही आसानी से नॉकडाउन हो गए. और मैंने दूसरे बंदे को देखा तो यहाँ पे जो मेरी स्कोप की सेंसिटिविटी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा रह गई, और कैफी इतने में निपट गया. सैड लाइफ कैफी जी, आई रियली फील बैड. तो मैं इधर, मेरे को पता था कि वो बंदा कहाँ से मारा है कैफी को, मेरे को पता चल चुका था. तो मैंने क्या किया, विंडो के पीछे गया मैं. इसको कहते हैं दिमाग लगाना थोड़ा बहुत जो तुम्हारे भाई पे है. पीछे जाके इसे भी धप्पा मार दिया, धप्पा ब्रो. और यहाँ पे पीछे से एक बॉट आ गया, तो मेरे को थोड़ा डर लग गया था कि मैं असली तो नहीं है. बट इतना कम डैमेज देख के मेरे को पता चल गया था कि ये बॉट ही है नोबड़ा. एनीवेज तो अब मैंने क्या करा, मेरा जो 4x है मेरे को पता उसकी सेंसिटिविटी तो हो चुकी है ख़राब. कॉज मैं सेंसिटिविटी से थोड़ा खेल रहा था अपने रिकॉइल को लेकर, ठीक है. तो वो मेरे को थोड़ी कम करनी है सेंसिटिविटी, तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. उस ब्रेक के लिए मैंने क्या करा सोचो,
मैं बाहर निकला, एक बंदे को नॉक डाउन कर दिया यहाँ पे तेजी से, ये मेरे को दिखा यहाँ पे पटापट पट, उसी बंदे को वापस नॉक डाउन किया जिसको पहले किया था। मैं स्मोक में गया यहाँ पे वापस एम करने के लिए, बट मेरे को कुछ दिखा नहीं। उतर में जिसको मैंने पहले धप्पा मारा था वो मर गया, मतलब मजा ही आ गया। और मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी अपनी खोली, तुम लोग सेंसिटिविटी मेरी देख सकते हो, मैं करंटली यही वाली सेंसिटिविटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे अपनी 4x की एकदम परफेक्ट कर ली सेंसिटिविटी, कॉज मेरे को चाहिए वो फाइट के अंदर, मेरे पास डीपी है। तो मेरे को पता था वहाँ पे दो बंदे हैं, मैंने यहाँ से अपना ग्रेनेड निकालवा जी, साउंड इफेक्ट मैं खुद ही निकालता हूँ आजकल, पता नहीं कॉपीराइट के इतने प्रॉब्लम्स हो गए क्या बताऊँ बस। तो मेरे को यहाँ 7 kills मिल गए, ये बंदा बड़ा ही आसानी से टपक गया, कुछ काम धाम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने आराम से इसको लूटा, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली 3 bodies मिली, पता नहीं बाकी के 2 kills किसको मिले, मुझे तो नहीं मिले जो बात है, किसी और को मिल गया तो पता नहीं, आई थिंक वो आखिरी बंदा बचा था, आई डोंट नो। तो मैंने यहाँ पे देखना शुरू किया कि कहाँ पर है मेरे प्यारे प्यारे एनिमीज, कहाँ पर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, पर मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था कोई। तो मैं भागे जा रहा हूँ इधर अपनी जान के लिए, राइट साइड देख देख के। और यहाँ पे कैफी जी लिख रहे हैं बैड लक ऑल माई बुलेट्स वेंट टू वॉल, मतलब सारी बुलेट्स इसकी वॉल पे लग गई। भाई तेरे को खेलना आता है, हैं मजाक कर रहा हूँ मैं, तेरे को अच्छा खेलना आता है ओके। तो मेरे को ये बंदा दिखाया, एक्चुअली मेरे को पता नहीं कर क्या रहा था, बहुत ही अचंबा हुआ मेरे को इस नोबड़े को देख के, मतलब वाई पिस्टल से क्या उखाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे आप भैया, मतलब कुछ तो रहम खाओ अपने ऊपर, पिस्टल क्यों। और एक और बंदा यहाँ से, इसका तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, मैंने बस प्रेम मार दिया उसको, हेडशॉट पड़ा, बंदा साफ हो गया इतने में। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा खुश बंदा था जो कि बहुत खुश दिख रहा था, ये थोड़ा मैटर कर गया, और यहाँ पे हमारे जो खुश जी हैं वो थोड़ा ट्रबल में पहुँच गए। मेरे पास इतने सारे हॉल और क्विक ड्रॉ थे ना, मतलब बताऊँ क्या, तुम ले जाओ थोड़े बहुत, यहाँ पे खुश नहीं पड़ गया हमारा। तो मैंने यहाँ पे स्कोप इन करा अपनी डीपी के साथ, मेरे को वो नूबड़ा दिखा वहाँ पे, मैंने स्प्रे मारना शुरू करा इसको, नॉकडाउन करते मैंने इसे पूरा मार दिया, बताऊँ क्यों, कॉज मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कैफी का, खुश का, मोटल का, विक्की का, सबका बदला लेगा तुम्हारा भाई कैब। बस उसी बात पे मैंने इस बंदे को पूरा साफ कर दिया। तो मैंने यहाँ पर अपने दोस्त को रिवाइव करना शुरू करा, और मेरे को ये पता नहीं रिवाइव हुआ कैसे, बाय द वे ये एक और ग्लिच है पबजी के अंदर, वो बंदा दीवार की उस तरफ है, मैं दीवार की इस तरफ हुआ, वो रिवाइव हो गया, मतलब इसका अच्छा टैलेंट क्या हो सकता है। बस इसको कहते हैं निंजा टेक्निक, एवरीबॉडी देख रहे हो तुम्हारे भाई की निंजा टेक्निक, यस लेट्स गो एवरीबॉडी। और यहाँ पे मेरे को 10 kills मिल चुके हैं बड़े ही आसानी से। और इसके बाद आई थिंक मैंने एक बॉट को मारा था, देख रहे हो इतने अच्छे प्यारे लग रहे हैं हॉलो, एकदम पता अजीब से दिख रहे हैं वैसे, बाय द वे तुम ले जाओ थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैंने एक बॉट को मारा था, एक बॉट भागा भागा आया, हेलो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से मर गया, मतलब मैंने तो छुआ ही था ही मर गया, बहुत ही बड़ा नाजुक कली था वैसे बात है। तो मैंने यहाँ पे अपना 3x फेंक दिया, कॉस्मो को 3x चाहिए नहीं था, 3x में M4 पे इस्तेमाल करता हूँ, और उस पर 6x भी चला लेता हूँ बहुत आसानी से, स्कारल पे भी 6x बहुत आसान होता है कंट्रोल करना। तो यहाँ पे मैं चल पड़ा अपनी गड्डी लेके फ्रेंड, और मेरी साइड में हसीना बैठी थी, है ना, बस 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 ज़्यादा नहीं ठरक दिखानी, फ्रेंड्स लेट्स गो किल सम मोर एनिमीज। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। तो चलिए, मैं एक्चुअली अब क्या हुआ ना, जब हम जॉर्जो के इस साइड आ गए पुल के, तो मेरे को यहाँ पे एनिमीज दिखे स्क्वाड हाउस के अंदर, तो अब हमारे को फाइट करनी है, यहाँ पे हमको फाइट करके इनको किल करना है फ्रेंड्स। तो ये तो छोटी जगह मेरे हाथ में है SKS, और SKS मेरे को रत्ती भर चलानी नहीं आती, पता नहीं मैंने DP क्यों छोड़ी थी, आई थिंक स्वैग में DP फेंकाया मैं कहीं पे मजे में, बहुत ही खेद है मेरे को DP छोड़ने का, मेरे को SKS तो चलानी नहीं आती, हम बोल्ट एक्शन वाले बंदे हैं, एक गोली मारनी है सर ये बंदा पटाक साफ, बट SKS से 4 गोलियां मार लो सर ये बंदा तब भी जिंदा रह जाता है, बहुत ही अजीब बात है। तो यहाँ पे मेरे को बंदे तो दिख रहे थे, बट क्या बताऊँ मेरे SKS स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, सही बताऊँ तो DP चला लूँगा उसको, DP बहुत आसानी से चला लेता हूँ मैं, और साथ में बोल्ट एक्शन भी, बट SKS के साथ DP के गेंस चाह रहा था मैं, मेरे को पता था वहाँ पे DP, मैंने तब भी सोचा फाइट लूँगा, बट DP वाले ने पेल दिया मेरे को, मतलब क्या बताऊँ सैड लाइफ, बट जो बात है मैंने बदला लिया। अब मेरे को पता था मैं दूर से तुमसे फाइट कर नहीं सकता, कॉज मेरे पास है SKS जो मेरे को रत्ती भर अच्छे से चलानी नहीं आती, DP होती तो तब भी सोच भी सकता था, और बोल्ट एक्शन तो मेरे पास दूर दूर तक नहीं है जो मेरी फेवरेट चीज़ है। तो अब जो बात बची है हमारे पास, हमको घुस के मारना है। और यहाँ पर क्या हुआ ना, इतने में एक दूसरे स्क्वाड ने उन पर अटैक कर दिया, मतलब कि देख रहे हो हमारी किस्मत एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे, दूसरा जो टीम है उसने उन पर अटैक कर दिया है,
तो हम घुस गए यहाँ पे और क्या, कुछ काम दाम थोड़ी हमारे पे, उनको फ्री में थोड़ी जिंदा रहने देंगे। स्मोक मारी मैंने यहाँ पे तेजी से और भाग लिया भैया मैं तो अंदर घुसने। वहाँ पे मेरे को राइट साइड में एक बंदा दिखा और इस जो बंदे को जिसको मैंने अभी यहाँ नॉक किया, ये बंदा बहुत देर से ना किल फील्ड में अपना नाम दिखा रहा था, मारे जा रहा था सबको कार 98 से और M4 से जो भी था इस पे। तो मैंने इसको टपका दिया, भैया जी छोड़ता नहीं मैं किसी को। तो फिर मैं इस घर में के अंदर घुस गया, कॉस्मिक को बताया था इस घर में कोई नहीं है, मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखा। फिर वो इधर आया, मैं थोड़ी सी प्री फायरिंग करी बट वो निकल के नहीं आया। तो मैंने एक यहाँ पे ग्रेनेड फेंका, जैसे ही मैंने यहाँ ग्रेनेड फेंका वो बंदा राइट से दिखने लग गया, मतलब कि पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा था, समझ नहीं आया मुझे बट वाई सामने आके मर जाना, चाहता क्या है वो, एक्चुअली जानता ही नहीं मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे एक मॉली फेंक दिया उस पर, तो वो इस तरह भाग के आ गया। फिर यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी से इसे साफ कर दिया, पता नहीं यार मतलब करना क्या चाह रहा था ये नोबड़ा, बट वाई क्यों अपने टीम वालों का भी नाम खराब कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे दो ग्रेनेड फेंके जहाँ पे मेरे को लगा लोग हो सकते हैं, कॉस को क्या पता से बचा नहीं आ रहा, कॉस में फुटस्टेप्स तो आ रहे थे बहुत सारे बट कोई उसे बचा नहीं आया, बहुत ही खेद है मेरे को उस बात का। तो मैं इसके घर में घुस गया, देखने लगा कोई यहाँ पे है कि नहीं है, कहाँ के सारे लोग। तो मैंने देखा इतने में एक बंदा तो टपक चुका है, एक्चुअली सैड लाइफ हो चुका है इसका, बट मेरे को एक बाहर से फुटस्टेप आ रहा है। तो मैंने क्या करा अपना, मैं वैसे आयरन साइट नहीं लगाता FPP में, सॉरी क्या बोल दिया मैंने स्कोप नहीं लगाता मैं FPP में, आयरन साइट का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे को यहाँ से लेफ्ट से दिखा एक बंदा, उसको एकदम से बहुत आसानी से साफ कर दिया, पता नहीं एक्चुअली उस तरफ किसी बंदे को देख रहा था, तो मेरे को इतना तो पता चल चुका था कि वहाँ पे एक और बंदा है। इसको कहते हैं माइंड रीडिंग सामने वाले प्लेयर की, कौन सा उस तरफ देख रहा है तो पता है कि बंदा उधर है। तो मैं इधर विंडो के पास गया देखने के लिए किधर है यार, किधर है किधर ये, और वहाँ पे दिखी मेरे को मेरी जॉनी मोन। अरे रे 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 भाई क्यों काहे को, वहीं पर से पानी से तो निकल सकता था, किसने कहा था तो अकेला बचा यार, तेरी पूरी टीम साफ हो चुकी है मेरे हाथों, तब भी तेरे को यहाँ पर आके अपना बदला लेना है, मतलब देख भाई तू फैजल नहीं है, अंडरस्टैंड द फीलिंग ब्रो। इसी बात पे कार 98 हमारे हाथ में, वेरी गुड लेट्स गो। अब जो बात है, मैं आजकल स्नाइपर सप्रेसर नहीं उठाता हूँ ज़्यादा, पर तब भी इस गेम आई थी मैंने स्नाइपर सप्रेसर उठा लिया था, पहले मैं नहीं उठाता था, मतलब सॉरी अब मैं नहीं उठाता हूँ। अब इसका यही रीज़न है कि किक नहीं मिलती यार, सही बताऊँ किक नहीं मिलती मेरे को बिल्कुल भी, मतलब स्नाइपर सप्रेसर लगा के जब तक पटाखा सा आवाज़ ना आए ना कानों में सेटिस्फाई नहीं होता मैं। तो मैंने आजकल स्नाइपर सप्रेसर हटा दिया कार 98 के ऊपर से, बट M24 पे इस्तेमाल करता हूँ, उसमें पुचक करके जो आवाज़ आती है वो गजब की लगती है, और AWM पे भी अच्छी लगती है, बट कार 98 पे स्नाइपर सप्रेसर उतना मज़ेदार नहीं लगता मेरे को। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जोन के अंदर चलते हैं जो कि अगला जोन है, और हम वहाँ पे रश मारेंगे। तो यहाँ पे मेरे को ड्रॉप दिखी, मैं ड्रॉप के पास एकदम तेज़ी से आ गया, कॉस्ट मेरे को लग रहा था अभी बंदे सिर्फ 9 लाइफ बचे हैं, तो अब हमको ये गेम जीतना है ऑफकोर्स। बट जो बात है मैं इस गेम की एंडिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सैडली सैड लाइफ हो गया था, कॉस्ट रिकॉर्डर बंद हो गया था मेरा। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने इसको एक शॉट मारा, ये बंदा हो गया नॉकडाउन बहुत ही आसानी से, मेरे को लगा नहीं था कि एक ही शॉट में चला जाएगा, आई थिंक इसकी हेल्थ बहुत ही कम थी, कैसे पिटा हो गया बुरी तरीके से। इतने में खुश ने उसको नॉकडाउन कर दिया, मैं तो पंचेस क्यों मार रहा था मेरे को भी पता नहीं एक्चुअली, मेरे को लगा मेरे हाथ में स्मोक बॉम्ब है, बट मैं इंस्टेड पंचेस मार रहा हूँ, मतलब हवा में पंच मार गया, क्या मैं अपने आप को आयरन मैन समझ रहा हूँ सुपरमैन पता नहीं। मैंने स्मोक कर दिया, कॉस मार फायरिंग हो रही थी, मेरे को एक बंदा तो दिखा पत्थर के पीछे वहाँ पे, बट मैं बाकियों को भी देख रहा था। कॉस हमारे पास कहीं चर्च के आसपास से फायरिंग हो रही थी, और र्यून्स का एक बताऊँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बंदे स्पॉट कर देना मुसीबत हो जाती, मतलब दिमाग खराब हो जाता है लिटरली, घंटा बज जाता है दिमाग के अंदर, पर बंदा नहीं दिखता है सही बताऊँ, और अगर उसके पास फ्लैश हाइडर है फिर तो भैया हो गया काम। तो यहाँ पर हम एम कर रहे हैं, मेरा बंदा और मैं भी, मैं इधर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये मार कहाँ से रहा ये चर्च वाला बंदा है। तो मैंने यहाँ पर स्कोपिन करके स्मोक के हेल्प से मैं देख रहा हूँ कि कहीं मेरे को गोली ना पड़ जाए, पटाखा था सर पे मेरा फट ना जाए सर। तो अभी तो यहाँ पे जैसे स्मोक हटा मेरे को पता था यहाँ से हमको निकलना है, अगर हम नहीं निकले तो हम मरेंगे, और ऊपर से जोन भी अब चर्च की तरफ जा चुका है। तो मेरे को यहाँ पे वो बंदा दिखा एक्चुअली, यहाँ से मार रहा है ये नूबड़ा, मतलब देख रहे हो वाई। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर घुसा मेरे को पता था यहाँ से निकलना है हमें, वो डैमेज है थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में, एकदम पिक नहीं करेगा। तो मैंने अपने टीममेट को बोला चल चलते हैं, तो उसने कहा रुक जा हेल्थ मारने दे मुझे, मुझे हेल्थ मारनी है। तो मैंने कहा मार ले यार मार ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो उसको मैंने गाड़ी में बिठाया,
और अपन तो चल पड़े जी, आई डोंट केयर, वी जस्ट डेयर। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि चर्च के पीछे उतरूंगा गाड़ी से और वहाँ से फिर मैं लेफ्ट से फ्लैंक मारना मैंने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ 3 लोग बचे हैं और मेरे को बहुत बुरा हुआ कि इस गेम की मैं एंडिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कॉज मेरा रिकॉर्डर एकदम बंद हो गया था, कॉज स्टोरेज फुल हो गई थी मेरे घंटा सा फ़ोन की। बस क्या बताऊँ, 64 GB का फ़ोन के अंदर भी स्टोरेज फुल कर दी मैंने। तो यहाँ पे बंदा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक राइट साइड गया, मैं राइट साइड में मैंने ग्रेनेड फेंका, कॉज ऊपर था बंदा पहले, फिर वो नीचे आ गया होगा, तो मेरे को बोला मेरे टीममेट ने कहीं वो राइट से पीक तो नहीं कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे ग्रेनेड फेंक दिया सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या पता उधर हो तो फट के साफ हो जाएगा वो, बट उधर था नहीं हुआ एक्चुअली। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही बॉम्ब फटा कोई नहीं मिला इधर, तो मैं लेफ्ट से जाना शुरू करा मैंने, कॉज राइट साइड पूरी क्लियर है, अगर राइट साइड में होता तो वो मर जाता, तो मैंने लेफ्ट से जाना शुरू करा। तो मैं नीचे से घूमा, अब मेरे को इतना कन्फर्म था कि क्या पता इसके पीछे हो, बट वो यहाँ पर भी नहीं था। मतलब हो किधर फ्रेंड, वेयर आर यू, हेयर आई एम कौन बोलेगा, पता नहीं, स्वागत, आई डोंट नो। तो मेरे को डर था कि कहीं वो ऊपर ना बैठा हो यार चर्च के, तो फिर मैं चर्च के ऊपर चढ़ गया यहाँ पे, कॉज मेरे को कहीं पर भी वो दिख नहीं रहा था एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा था, इतने मेरे को बंदा उधर देखा पेड़ के पास, इसको एक शॉट मारा सर पे, बंदा साफ। और बस यहाँ पर ही हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो आखिरी बंदे के ऊपर मैंने 2 हेडशॉट मार दिए, और यहाँ पर ये बंदा जो है बच गया, उसने मेरी टीममेट को नॉक कर दिया था, बट जैसे दूसरा हेडशॉट मारा ये भी वो सर्वाइव कर दिया, बट उसका हेलमेट मैंने फोड़ दिया पूरा। और इसके बाद स्मोक फाइट हुई थी, जिसके अंदर 1-on-1 में स्मोक फाइट से मैंने राइट साइड से फ्लैंक करके इस बंदे को निपटा दिया था, बट मेरी रिकॉर्डिंग वहाँ तक जिंदा नहीं बची, बहुत ही खेद है मेरे को उस बात का। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा जी। हमारे हो चुके हैं 76,000 सब्सक्राइबर्स, #capgang इज ऑन फायर, लेट्स एम फॉर 1 lakh सब्सक्राइबर्स। तो अपने सारे दोस्तों को बोलो कि यार किंग एंड्रू सर्च करें एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, लेट्स गो, पीस आउट।